सभी दोस्तों को नमस्कार, हैप्पी बर्थडे वालों को हैप्पी बर्थडे। अगले दिन की सुबह हम बिल्कुल नहा लिए वाली है, बिल्कुल तैयार, अब जरा खेत पर घूम के आऊंगे। उससे पहले तुम्हें दिखाते हैं एक चमत्कार, इस पेड़ पर हमारे पे लगातार फूल खिलक रहे हैं बेचारे पे, और ये कह रहे हैं कि भवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। अब ये भवरों ने फूल का क्या आलम कर रहे हैं देख लो जरा, वो एक वो नहीं छोड़ा इन्होंने फूल, कोई भी सब भवरे फूल को खा गए। अब खिलाया कौन सा फूल है हमें तो भगवान भगवान ही जाने, हमारे सारे फूल तो खा गए। अब चल रहे हैं जी, मौसम हो रहा है बिल्कुल बारिश का, छाता लेकर जरा टहल के आते हैं खेत पे अपने। और ये मौसम हो रहा बेहिसाब ही बढ़िया, कहते हैं मौसम का असर पड़ता है दिमाग पे भी, इतना प्रचंड बादल है। जंगल में घूमने का भी अलग ही आनंद आएगा इसमें। बाकी जी हमारे गांव की संसद है, संसद के सदस्य इस टाइम जो है वहाँ खड़े हैं सामने मंदिर पे, ये बैठे हैं ये सभी सदस्य। हमारी गांव की चमंडा का जीर्णोद्धार कार्य जारी है, छत बत पड़ी है, लगातार कार्य जारी है। तो जी अभी थोड़ी देर बाद जाके, अभी 8:30 ही बज रहे हैं, अभी जाके गैस का सिलेंडर लेके आना है, वो ख़त्म हो गया, कल राशन लाए हैं अगर पिछला ब्लॉग देखा हो तो। बाकी मौसम तो ज़बरदस्त हो ही रहा है इस टाइम, दुनिया उल्टी भाग रही है, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। अभी एक मिले हैं क्या जी, तुम वो ना होने दोगे बारिश वारिश, मन क्या जी क्यों क्या छतरी लेकर जा रहे हो, मन क्या ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मन क्या मुझे उम्मीद है पूरी कि बारिश होएगी, इस वजह से छतरी लेकर आया हूँ मैं। तो जी ज्ञान की बात है ख़त्म, बारिश होने लगी, हम भी अब वापसी चल रहे हैं देखो, और तेज़ मोटी मोटी बूंद आ रही है, चल रही है हवा, तो ऐसे में छतरी भी काम ना करेगी, तो अब निकलना घर को, हो गई बारिश तेज, फोन में दिखाई ना देगी। तो जी सिलेंडर रख लिया है, पंखा रख लिया है, वो भी गड़बड़ कर रहा है, तो ठीक करवा के लाऊंगा, अब चलते हैं ज़रा। बूंदाबांदी होती हुई, जब से बूंदाबांदी हो रही है जब से मैं बज रहे हैं लगभग 12, पिनर पिनर ही है बारिश तेज, तो ना उस टाइम देख के लगा कितनी तेज बारिश आएगी, अब ना कुछ भी ऐसा, देखो सड़क भी सूखी पड़ी है इतनी तेज बारिश है। हाँ देख लो यार, नीचे से झाड़ दियो, यहाँ झाड़ दो, अरे फूट फाट ना जावे यार। सील सही है, बूंदाबांदी हुई तेज, बस जी सिलेंडर तो रख लिया, अभी पंखे का काम और रह गया, उसे और दिखा ला जरा। बारिश ने रफ्तार पकड़ ली साहब ठीक ठाक, अब और ऐसे में भी काम करने वाले काम कर रहे हैं, देखो घास लिया ही है अपना, तो पंखा दिखाना हमें सामने दुकान पे, उधर भी लगानी पड़ेगी, मेरा गड्ढा था तो ये पंखा तो करना पड़ गया भर्ती, वो मिलेगा कल को, ये उसके बैरिंग बदले जाएंगे दोनों, एक तार फूक गया उसका। अब आ गए जी लाला के पास, कल वालों के जहाँ सामान लेके गए वो सामान रह गया है यहाँ, अब वो लेके चले। अब ये बताओ कल तुमने ना तो सरफ दिया, तुम कह रहे हो रखा गाड़ी में, तुम कह रहे हो हम कह रहे हैं हमने तो रखा, अच्छे निकाल के नहीं दिया,
अच्छा जी, और क्या सरप रह गया है? कुछ नहीं और रह गया भैया, क्या क्या, एक वो बंडल का वो रह गया, केले का हमारे का मीनी का बंडल का पैकेट था, उसमें लिखा हुआ नहीं था, पेपर लाया ना मैं, अरे था यहाँ लिखा हुआ और तेल का तेल, पेपर व्हाट्सएप कर, चलो भी करवा दे पहले व्हाट्सएप ही मंगवाओ, रुक जाओ कुछ आदमी दिखना कम हो गया तो हाथ हाथ कोई ड्रॉप डाली हुई हो पता नहीं लगी पतंजलि और मैं दाल वालू इसमें अपनी आंखों में तो क्या होगा इंफेक्शन हो तो रहता कभी लूट लाट लो मुझे अभी आंखों में मिर्ची झोंक कर लूट लो वीडियो ना हो ओमपाल की ना तो ओमपाल सामान रखने छोड़ दे रख दिया भैया ना ढंग से कुछ रह भी गया क्या यार एक चीज़ फिर भूल गया यार कॉफ़ी के पाउच रह गए अब कॉफ़ी का पाउच और दुकान पे लेना पड़ेगा इस पर हैवी नहीं टेम्पू वाले ने टेम्पू पीछे लगा खड़ा करा हटा भी ना रहा भला माना से भी तो कुछ कर रहा है तो ये पहुंच गया कोकापुर बाजार लगने वाला है लग ही रहा धीरे धीरे थोड़ी सब्जी लेके जानी है हमें अब बुध शाम को कौन आएगा है बस भाई मैं अब ले चला हाथों हाथ ही अभी लगा लगाया तो ना बाजार दो चार दुकानें हैं पर जिससे मैं ले करूँ सामान वो तो आ गया उसी ले लें वही सारी सब्जी फ्रेश ही है बेचारों की ये जी कर लिया बाजार थैला पहला तो लाया ना पर फोन ने दे दी चाहे पन्नी बांध बूंद के ये आलू पालू ज़्यादा कोई मेज सब्जी ना आए मैं तो भी 220 रुपये का पड़ गया आइटम जय सब्जी ही भी ना उस पर वेराइटी अब चलते हैं भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी लोग बाग आने शुरू हो गए हैं मार्केट में तो जी शाम के बज गए 4:30 मील की चल रही पढ़ाई चल रही है ऐसे बाकी हम पी रहे हैं कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी जिम जाने से पहले ताकि थोड़ा सा ब्लड फ्लो हाई हो जाएगा हैं ये पता ना क्या क्या है समझा दे कर तू इसे तो जी बाकी ये प्री वर्कआउट का काम करेगी हमारे लिए हम चल दिए अब जिम मिलवाते हैं तुम इनसे ये बछड़ा जो चुहा रहे हो तुम ये चुहाई जरूरत कहाँ है ये तुम छोड़ दे करो घर से ही लोग अपने आप पहुँचा जाएंगे घर तुम्हारे कह जी हमारी चीख चुरा तुम्हारा बछड़ा खुल के पहुँच गया अब तो इन्हें कोई पकड़ ही ना रहा वो भी है पकड़ तो ना आ रहा पर फिर भी हाँ तो क्या मजाक वाली बात ही भले आज इसे पकड़ लेगा हिला हुआ बछड़ा है ना भैया फिर है अब तो सभी अरे और मैं तो कह रहा बैलों जो आप तो अपने आप चुकती फिर गाय है बछड़े बैल है मतलब एक दे दिया हमने उठ बैठ में अच्छा वर्कआउट हुआ कम्प्लीट हमारा आज बैक का वर्कआउट है कॉफी का असर दिखाई दिया आज शरीर पर आप फिर तक ठीक ठाक रहे मामला अब चलते हैं मिस्टर हिंदू ये भी क्रेज चल पड़ा है मैं भी लगवाऊंगा यार मेरे टाप दरवा दिया यार मेरे पे है रखे हुए तो दे दिया यार हम भी लगवा लेंगे मैं ले आऊंगा हमने पैसे इकट्ठे करे थे अच्छा गांव के लड़कों ने हां हां देखो बनाई है लक्ष्मण सेना अच्छा लक्ष्मण सेना हां ग्रुप बनाया ठीक है उसमें मतलब सारे काम कर जाएंगे हिंदू वाले तो ये सही है ये सही है कह दिखा कर लो भाई चलो सही है यार बिल्कुल करना चाहिए आदमी को धर्म प्रचार के हिसाब से और शनिवार से मतलब भाई ये भाई इतना ध्यान नहीं हो कि भाई साहब जब उसमें मत पहुंचिए उत्तेजना वाले उसमें ग्रुप में नहीं उत्तेजना क्या कहीं तांडव मचा रहे हो जहाँ तहाँ धर्म के नाम पे तांडव वाले नहीं है हाँ बस सही है लेकिन वो भी नहीं है मतलब कुछ होएगा तो उसे हम देखा ना ना बहुत ठीक है अपने ऊपर अत्याचार नहीं हो सहना चाहिए आदमी भाई यो नहीं है कि यार धर्म की आड़ में भाई तुम देख रहे हो बहुत बहुत गलत भी कर रहे हैं लोग बहुत गलत कर रहे हैं चले फिर अब चलो जी जिम से चला मैं दिन में ही बीच में रुक गया भंडपुरी उनकी बढ़ाई के दौरे मिस्टर अंकित उज्जर के पापा के और ताऊ जी के तो वो चाचा दल पड़ी इधर उधर की सृष्टि की भगवान की तमाम तराम तरह की बातें तो बातों में से बात निकलती रहती है तो फिर मसला दूसरा हो ही जाता तो जी अब हो गया बतेरा टाइम थोड़ी देर में वीडियो में भी आने बंद हो जाएंगे हम क्योंकि बाल भी काले रंग भी ज़्यादा सफ़ेद ना है कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे इस बात भाई तभी दौलत वो ना है दौलत तो है ही क्या थोड़ा बहुत
बाकी जी आज का धारावाहिक अच्छा लगा हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।